नमस्कार दोस्तों, ये एक महिला का पाम है। इनकी वर्तमान आयु 36 इयर्स है और इनके मुंह से उद्गार निकला है, क्या मेरे जीवन में कुछ बचा है कि नहीं। इस तरह की फीलिंग इनको वर्तमान समय में आ रही है और उसका कारण है बहुत बड़ी राहु रेखा ने इनको वर्तमान समय में काटा हुआ है। तो जब राहु रेखा काटती है और उसमें भी खासकर महिलाओं को मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को सहन शक्ति कम होती है, ये सीधी सर पर वार करती है। आपको एक नेगेटिव फीलिंग देती है, जीवन के सारे रास्ते बंद होते हुए दिखते हैं और इस तरह की फीलिंग आती है कि अब जीवन पूरा संपूर्ण खलास हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। इस तरह की फीलिंग ये राहु रेखा देती है। इनके पाम को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में एक ऐसी शुभ साइन है जो इनको काफ़ी उत्तम जीवन देने वाली है। हाँ, राहु रेखा जब भी आएगी परेशान करेगी और उसका कारण भी मैं बताऊंगा, इनका क्या कारण है। राहु रेखा जब इनको काटेगी तब परेशानी आएगी। ये सिंपल यहाँ पर सीधी रेखा बन रही है। जब इस तरह की रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल और स्क्वायरिश शेप दोनों है, तो मेहनती भी होते हैं और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने वाले भी होते हैं। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है तो लॉजिक की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लॉजिक भी यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। सेकेंड चीज, जब आपके कहीं ना कहीं उंगलियों के पोर थोड़े से भी नुकीले हो तो आप में इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती, यानी धीरज नहीं होती। जैसे ये वीडियो बनने वाला था 2 दिन के बाद, पर इनकी उतावलापन देखकर मैंने इस वीडियो को बीच में ले लिया। तो ये कारण, ये फैलेंज है, चैन नहीं पड़ता, इनको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें चाहिए। अब महिला है तो मैं ना नहीं बोल पाया। यहाँ पर देखें तो ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। तो जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। बहुत अच्छी बात है, इनके हाथ में सारे फैलेंज सपाट है, एक प्रेस किए हुए कपड़े की तरह है। जब इस तरह के फैलेंज हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड होता है। अब बुध पर्वत की ओर चले। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें भी है और इस तरह से चलने वाली लाइनें भी है और बुध पर्वत काफ़ी उन्नत है, तो ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते, कुछ भी मन में नहीं रखते, सारी स्पष्टता से बताते हैं। अब मैं एक्चुअल में इनके क्लोजअप पर ही चला जाता हूँ क्योंकि उस क्लोजअप में काफ़ी सफाई है। हाँ, केवल चंद्र पर्वत का शो कर देता हूँ। एक तो यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, ये नेगेटिव फीलिंग देता है और चंद्र पर्वत अच्छा है तो हो सकता है इनका विदेश से भी संबंध आए क्योंकि एक रेखा इस तरह से चल रही है और इनकी जो फेट लाइन है वो भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो कोई ना कोई विदेश का भी योग इनके जीवन में बन सकता है। और शुक्र पर्वत भी एक व्यवस्थित है और सारी लग्जरियस लाइन है। ये अगर उस क्लोजअप में नहीं दिखी, इसके लिए मैंने, अगर नहीं दिखी तो मैं अभी ये क्लियर कर रहा हूँ इसके लिए। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। बुध पर्वत पर आपने खड़ी लाइनें भी देखी और ये भी लाइनें भी देखी, और बुध पर्वत जिस व्यक्ति का अच्छा होता है उस व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट वक्ता होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी उन्हें जानकारी होती है और मीठी जबान होती है, मीठा बोलते ही है लोग, तो ये सारे एडवांटेज इनको मिलते हैं। अब जो मैंने शुभ साइन बात की वो है यहाँ पर, ये देखिए कितना बड़ा, कितना बड़ा स्टार बन रहा है। इसके पहले एक और वीडियो बना था जिसमें मैंने इस तरह का स्टार शो किया था, वो काफ़ी बड़े स्तर के ऑफिसर थे, आईटी डिपार्टमेंट, आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं,
आईटी क्षेत्र के बड़े ऑफिसर का पाम था और सेम इसी तरह का स्टार इनके यहाँ पर बना हुआ है। ये व्यक्ति को यश भी दिलाता है, यानी फेम भी दिलाता है और पैसा भी दिलाता है, तो ये बेस्ट साइन है। अब इनके जो माइनस पॉइंट है उस पर भी आएंगे। ये तो हो गया प्लस पॉइंट, और इतना बड़ा स्टार 100% इनको यश भी दिलाएगा और 100% इनको पैसा भी दिलाएगा। अब वर्तमान समय इनका बहुत कष्टमय है, वो भी हाथ पर दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जीवन भर कष्ट उठाएंगे। यहां पर ये अगर स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति का फैला हुआ कामकाज भी जीवन में होता है, इंटरनेशनल लेवल तक का मल्टी सिटी का काम होता है, और व्यक्ति अपने आय से अधिक अच्छी तरह से रहता है। ये देखिए काफी बड़ा स्क्वायर है इनके हाथ में। यहाँ एक विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप होता है और लोग इनको पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होगा। सेकंड चीज देखें तो यहाँ पर एक रेखा जा रही है इस तरह से। जब इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति को चार तरह के लाभ मिलते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट, सरकारी बेनिफिट, या ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उच्च स्तर पर पहुँचता है। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक। और इनके पास कंटिन्यू फेट लाइन बनी हुई है और सारी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो पूरे जीवन में चांसेस है इनके विदेश से धन लाभ के योग, या किसी और के प्रोडक्ट को ये सेल करेंगे। जैसे मारुति का सर्विस स्टेशन है, नाम मारुति का, गाड़ी मारुति की, और उस पर सर्विस देकर पैसा कमाना, यानी आया जैसा काम, या तो जीवन में आया जैसा काम ये करेंगे और 99% ये विदेश से धन प्राप्त करेंगे। ये जीवन में विदेश में भी जा सकते, इस तरह के क्लियर कट संकेत है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और चंद्र पर्वत भी काफ़ी सुंदर है। तो इस तरह के योग इनके जीवन में बन सकते हैं और निकट भविष्य में ही बन सकते हैं, ऐसे संकेत इनके हाथ में दिख रहे हैं। सेकेंड चीज देखें तो एक लाइन और इसी तरह जा रही है, जो दोनों के फल एक ही सेम है, तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम आती रहेगी। जुपिटर माउंट देखें तो जुपिटर माउंट भी अच्छा है, और ये कंटिन्यू चलने वाली रेखा है। जब ये कंटिन्यू चलने वाली रेखाएँ होती है तो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखाती है। ठीक है, आप कार चलाते हो, बीच में स्पीड ब्रेकर आते रहते, वैसे हमारे जीवन में भी जब राहु रेखा काटती है तो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ उन्नति नहीं है, उन्नति 100% होती है। और एक रेखा और एक रेखा और दिख रही है, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जाता है। अब इसमें जुपिटर माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, पर उस फोटोग्राफ में जरा भी डिस्टर्ब नहीं था। अब अंदुनी मंगल को देखें तो अंदुनी मंगल बहुत ज़्यादा शारीरिक एनर्जी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी, मध्यम टाइप की शारीरिक एनर्जी इनके पास होगी। भारी मंगल व्यवस्थित है तो ऊर्जा के साथ किसी से भी मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है जब इस तरह का मंगल होता है। मैंने चंद्र पर्वत भी अच्छा बताया, ये क्रॉस बता ही दिया, ये नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा जीवन के प्रति डर लगा रहता है। और ये लाइन प्लस ये लाइन, ये दो लाइनें व्यक्ति को या तो यात्राएं शो करती है, मैंने दो तरह के चीज़ें बताई, या तो विदेश चले जाएंगे या अपने जन्मस्थल से दूर भी इनका विकास होता है, ऐसा भी देखा गया। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे परचेसिंग पावर होगा इनका, सोच जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है। पर इस हाथ में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, मनी ट्रायंगल कहीं दिख नहीं रहा है। अगर मनी ट्रायंगल हल्की लाइन से भी होगा तो व्यक्ति को खर्च का पैमाना ज़्यादा होता है, और नहीं होगा अगर मनी ट्रायंगल तो ऐसे लोगों को कितनी भी उन्नति हो जाए,
महीने के 5 लाख कमाने के बावजूद भी ऐसे लोगों का खर्चा बहुत हैवी होता है। अब ये स्टार है तो इनकम तो इनको मैं जो अमाउंट बता रहा हूँ उसके आसपास पहुँच जाएगी जीवन में, पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस तरह का स्टार उस तरह की इनकम दे देता है बहुत बार, पर क्योंकि बहुत बड़ा स्टार है, 2-2 लाख 5-5 लाख की कमाई होती है महीने की ऐसे लोगों की। पर जब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं होता तो खर्च का पैमाना बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा माइनस पॉइंट होता है जब ये राहु रेखा आती है तो इन लोगों को अच्छी खासी नुकसान में डालती है, अच्छा खासा। ये बहुत पेनफुल स्थिति होती है जब ऐसे लोगों को राहु रेखा काटती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है क्योंकि इनका भंडार भरा हुआ नहीं रहता। और जब राहु रेखा काटती है तो बहुत ज़्यादा ये लोग हर्ट होते हैं पैसे के मामले में। अब शुक्र पर्वत देखे तो मैंने बताया भी है, शुक्र की रेखा है, लाइफ लग्जरीज होगी और ये सारी प्रॉपर्टी दिलाएगी। ये जितने भी स्क्वायर है ये सारे प्रॉपर्टी के साइन है। और यहाँ पर भी देखे तो प्रॉपर्टी की साइन अभी फ़िलहाल तो लाइट बनी हुई है, पर ये भविष्य में यहाँ पर अगर इस लाइन को भी ज्वाइंट करे तो ये एक साइन तो बन ही रही है, तो प्रॉपर्टी या तो इनके जीवन में आएगी ज़रूर। और ये तो खास संकेत है ये स्क्वायर, तो अब चाहे यहाँ हो ना हो पर यहाँ पर है तो प्रॉपर्टी इनके जीवन में आने ही वाली है। और शुक्र भी अच्छा और साथ में गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो धन के मामले में मुझे नहीं लगता ज़्यादा तकलीफ उठाएंगे, कंटिन्यू धन आएगी। पर जब भी राहु रेखा आएगी तब इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से शुरू हो रही है और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है और आगे। जब किसी की धन रेखा सूर्य पर शनि पर्वत से शुरू होती है तो 3 ही लक्षण पाए जाते हैं। एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान होता है, यानी कंप्लीट मटेरियलिस्टिक सोच, और ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते तो ज़्यादा पैसा कमाते भी है। सेकेंड, कामुक भावना रहती है। और तीसरी चीज़ रहती है, व्यक्ति कभी कभी फिजिकल बनता है यानी हाथ पैर उठाता है। ये 3 ही लक्षण ऐसे लोगों में पाए जाते हैं। और थोड़ी सी आगे चलकर माइंड लाइन डबल होती जा रही है तो ये उम्र होगी लगभग इनकी 48 के आसपास या 50 के आसपास से धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी और व्यक्तिगत जीवन थोड़ा सा कम जी पाएंगे ये, पर उसके पहले अच्छा खासा व्यक्तिगत जीवन जी पाएंगे। और 1-2 रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है, गुस्सा दिलाती है व्यक्ति को। अब माइंड लाइन भी कितनी सुंदर है आप देखिए, पूरी राहु क्षेत्र से निकलती है और यहाँ चल रही है। और उसके पहले अगर देखे तो जुपिटर माउंट पर एक क्रॉस बन रहा है, और ये अगर इनको बचपन में जोर से सर में लगा होगा और अभी सर दर्द का प्रॉब्लम रहता होगा तो ऐसे लोगों को पति बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला मिलता है। अब वापस हम माइंड लाइन पर आते हैं, दोनों के बीच में गैप है। जब जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में गैप होता है तो ये लोग बहुत जिद्दी होते, किसी के कंट्रोल में रहना इनको पसंद नहीं आता। पर एक बहुत अच्छी खासियत होती है, ये कभी अपने जिम्मेदारियों से भागते नहीं, जिम्मेदारियां उठाकर ही चलेंगे, तो ये भी खासियत इनमें पाई जाती है। पर जिद्द भरपूर रहती है, किसी के काबू में नहीं रहते। और जब जुपिटर से आपकी माइंड लाइन शुरू होकर चंद्र पर्वत की ओर छूटती है तो ये महत्वाकांक्षा दिखाती है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। सेकेंड चीज देखें तो जब आपकी माइंड लाइन इतनी बड़ी हो तो बुद्धि चातुर्य भरपूर होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है तो धार्मिकता भी बढ़ेगी इनमें, साथ में इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज होगा। एक समय आएगा इनको ऐसा लगेगा जैसे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति इनके साथ चल रही है। बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करेंगे, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। व्यक्ति चेंज होते रहते जीवन में पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको बहुत बोल बोल करते, तो ये एक बाकी बुद्धि चातुर्य भरपूर होगा, बुद्धि के बल पर भरपूर विकास करेंगे ये। अब इनकी जीवन रेखा को देखें तो मेरे हिसाब से मैंने जो कैलकुलेशन निकाला
वो हिसाब से एक 31 में इनको राहु रेखा ने काटा है और एक रेखा यहाँ पर आकर यहाँ पर विलीन हो रही है और ये पीरियड होगा 31 के 5 या 6 साल पहले इनके जीवन में सहनाई बजी होगी। उसके बाद 33 में एक राहु रेखा ने काटा है, उसके बाद 36 में एक बहुत बड़ी रेखा ने यहाँ पर कट किया है और ये वर्तमान समय में इसी रेखा के पीरियड से गुजर रहे हैं। एक इसी तरह की हैवी रेखा इनको लगभग 40 के आसपास काट रही है, इस पीरियड में भी इनको संकट का सामना करना पड़ेगा, पर उस बीच में वापस प्रोग्रेस चालू होगी और एक लाइन 36 के पहले अगर यहाँ से ये निकलती होगी और नीचे जाती होगी तो इसी पीरियड के आसपास 36 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनके। और ये 40 के आसपास या 41 के आसपास इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी ये लाइन और एक छोटी सी लाइन इनको 44 में भी कट कर रही है, इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब कर रही है। अब सोचिए जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल ना हो, ये एक छोटी सी रेखा दिख रही है पर इसको मनी ट्रायंगल नहीं कह सकते, तो उस व्यक्ति को जब राहु रेखा काटती है तो बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसानों का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति माइनस में चला जाता है। और उसके पहले देखिए बहुत सारे ऑफशूट भी इनको मिले, यानी शादी के पहले भी इनका जीवन में प्रोग्रेस हुआ होगा और शादी के बाद भी प्रोग्रेस इनके जीवन में दिख रहा है। एक ऑफशूट तो इन राहु रेखाओं के पहले भी दिखा है, यानी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा, पर बिना मनी ट्रायंगल वाला हाथ है तो ये कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च कर लेते। उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रांग राहु रेखाएं नहीं है इनके जीवन में, विकास उन्नत रहेगा और ये रेखा बार बार मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। अब इनकी फेट लाइन पर देखें तो चंद्र पर्वत से शुरू हुई तो ऐसे लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। सेकंड चीज देखें तो ये चलकर यहाँ पर आकर एक लगभग उम्र 27 के आसपास इनके जीवन में कोई ना कोई खर्च आया होगा या कोई खर्च हुआ होगा क्योंकि ये सीधी काट रही है। फिर 34-33 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा और उसके बाद यहाँ पर फेट लाइन एकदम धूमिल जैसी है, यानी रास्ता काफ़ी कठिन रहा होगा इनके जीवन का, एकदम स्टॉप जैसी स्थिति है। और उसके बाद ये यहाँ से 36 से एक और रेखा निकल रही है और एक ऑफशूट इनके माइंड लाइन पर चल रहा है और वो भी लगभग 36 के आसपास, यानी आने वाले समय में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इनके जीवन में दस्तक देने वाली है। और ये 36-38 के बाद इनके जीवन की एक रफ्तार आएगी क्योंकि यहाँ पर एक यही जो ऑफशूट इनको मिल रहा है ये माइंड लाइन वाला ऑफशूट, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा रुकावट भी डाले 37 के आसपास, पर 38 के बाद जो रफ्तार आएगी वो अच्छी खासी आएगी इनके जीवन में। और एक यहाँ पर भी कट है, ये कट नहीं है तो टेंस वाली बात नहीं है, और एक कट इनके उम्र यहाँ पर आ रहा है, ये पीरियड थोड़ा सा कष्टमय रहेगा और ये पीरियड होगा लगभग 50 या 51 के आसपास। यहाँ पर इनको एक कटा लग रहा है और ये इस पीरियड में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट या परिवार का खर्चा भी आएगा इनको, और एक इन्वेस्टमेंट इनका उम्र 53 या 54 के आसपास भी दिख रहा है और ये नॉन स्टॉप चलकर सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। इस तरह से इनकी फेट लाइन है, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक शुभ साइन ही इनका बेड़ा पार कर देगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।